एमपीपी में से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस इन विच अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर जनरेट्स हीट एट द रेट ऑफ 1 वाट इज सेड टू बी। अगर रेजिस्टेंस में जब कोई कांस्टेंट करंट अप्लाई करते हैं 1 एम्पियर का, तो उसमें जब हीट जनरेट होती है 1 वाट की, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इसका आंसर ओम बोला जाता है। तो द रेजिस्टेंस इन विच अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर जनरेट्स हीट एट अ रेट द रेट ऑफ वॉट इज सेड टू बी 1 ओम। डिस्क्रिप्शन है, द रेजिस्टेंस इन विच अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर जनरेट्स हीट एट द रेट ऑफ 1 वाट इज सेड टू बी 1 ओम। वो रेजिस्टेंस में जब कांस्टेंट करंट को अप्लाई किया जाता है 1 एम्पियर का, तो उसके द्वारा जो हीट अप्लाई होती है, हीट जनरेट होती है 1 वाट की, उसको हम 1 ओम कहते हैं। पावर इक्वल टू फार्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर टी। आई जहां पर रेजिस्टेंस है, आर करंट है, टी इसमें टाइम है, तो हमारे पास इसमें दिया हुआ है टी टेम्परेचर इसमें, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर 1 अगर हम पावर जनरेट करते हैं और 1 करंट होता है, आर और टी टेम्परेचर रहता है, हीट प्रोड्यूस करता है 1, तो इसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। तो 1 ओम होता है, 1 कॉलम इज एक कॉलम में क्या होता है, द मीजर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज को मीजर किया जा सकता है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम करेंट ऑफ 1 और 1 सेकेंड, इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.24 × 10^8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कॉलम में चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन्स 6.28 × 24 × 10^8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट इज। मास और स्पेसिफिक हीट में कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई होता है? इसका आंसर हीट कैपेसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट इज हीट कैपेसिटी। डिस्क्रिप्शन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट, इसमें एम इंटू सी। अब स्पेसिफिक हीट में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है या कॉन्स्टेंट प्रेशर है, वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट आ जाता है। सो इसमें एम इंटू सी भी या एम इंटू सी पी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट एम इंटू सी। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेस ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिना टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा, अगर उसको बिना टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाए हुए अगर हीट रिक्वायर्ड होती, हीट जिसकी जरूरत पड़ती है, उसका फेस चेंज होता है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है, एक होती है लेटेंट हीट फ्यूजन जो कि LF कहलाएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो कि LV कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो इज कॉल्ड। स्पीड रेशियो, रेसिप्रोकल में स्पीड रेशियो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन वैल्यू। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो इज कॉल्ड ट्रेन वैल्यू। गति अनुपात का व्युत्क्रम जो होता है ट्रेन गाड़ी मान का कहलाता है। डिस्क्रिप्शन, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो इज कॉल्ड ट्रेन वैल्यू। ट्रेन वैल्यू इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर। सो हमारे पास स्पीड रेशियो का फार्मूला हो जाएगा 1/TV, मतलब 1/ट्रेन वैल्यू स्पीड रेशियो। तो फार्मूला हो जाएगा स्पीड इनपुट अपॉन स्पीड आउटपुट। सो SR इक्वल टू स्पीड रेशियो इक्वल टू एन स्पीड ऑफ इनपुट, एन इनपुट अपॉन एन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड फ्रिक्शनल पावर इज इंडिकेटेड एज। इंडिकेटेड पावर और फ्रिक्शनल पावर का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या इंडिकेट करता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक पावर। द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड फ्रिक्शनल पावर इज इंडिकेटेड एज ब्रेक पावर। सो डिस्क्रिप्शन है, द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड फ्रिक्शनल पावर इज इंडिकेटेड एज ब्रेक पावर। ब्रेक पावर इन्वॉल्व्स द डिटरमाइनेशन ऑफ द टॉर्क ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द इंजन शाफ्ट। किसी भी इंजन शाफ्ट का अगर एंगुलर स्पीड या टॉर्क निकालना हो, उसके लिए हम ब्रेक पावर का यूज करते हैं। टॉर्क इक्वल टू होता है डायनामीटर, एंगुलर स्पीड होता है टैकोमीटर, इसकी स्पीड होती है आरपीएम में,
ब्रेक पावर का फार्मूला होता है बीपी इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60 किलो वाट में आता है ये ब्रेक पावर। और अगर इनपुट पावर देखा जाए, इंडिकेटर पावर देखा जाए, तो आईपी का फार्मूला होता है PMLAN K अपॉन 1000 × 60 किलो वाट। ये इंडिकेटेड पावर का फार्मूला है, जहां पर एन स्पीड है, टी इसमें टाइम है। टी इसका टॉर्क है, बीपी इसमें जो बताया गया ब्रेक पावर बताया गया, आईपी मतलब होता है इंडिकेटेड पावर। इसमें पी जो दिया है वो तो पावर है, ए एरिया है, ए लेंथ है, ए नंबर ऑफ टॉर्क है, और के इसमें कांस्टेंट है। सो आईपी इक्वल टू PMLAN K अपॉन 60 × 1000 किलो वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एफिशिएंट गैस पावर इज साइकिल इज, इनमें से गैस पावर साइकिल का सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है? इसका आंसर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। द मोस्ट एफिशिएंट गैस पावर साइकिल इज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। डिस्क्रिप्शन है, द मोस्ट एफिशिएंट गैस पावर साइकिल इज कांस्टेंट वॉल्यूम, वी इक्वल टू सी साइकिल, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। डीजल एंड डुअल कंबक्शन साइकिल इज यूज्ड इन CI कंप्रेशन इग्निशन इंजन। डीजल एंड डुअल साइकिल कंबक्शन इंजन का इस्तेमाल CI में होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। रैंकन साइकिल इज मदर साइकिल ऑफ पावर प्लांट, पावर प्लांट की मदर साइकिल को हम के नाम से जानते हैं रैंकन साइकिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिस्टिंग द वेरियस एंगल्स इन डिग्रीज एंड साइज ऑफ द नोज रेडियस इज कॉल्ड एज। डिग्री में विभिन्न प्रकार के कोणों और जो त्रिज्या होती है, एंगल्स ऑफ डिग्रीज होती है, कि आयाम की संख्याओं के क्रम को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सिग्नेचर कहा जाता है, चिन्हक। द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिस्टिंग द वेरियस एंगल्स इज डिग्रीज एंड साइज ऑफ द नोज रेडियस इज कॉल्ड एज सिग्नेचर। डिस्क्रिप्शन में है, द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिस्टिंग द वेरियस एंगल्स इज डिग्री एंड साइज ऑफ द नोज रेडियस इज कॉल्ड एज टूल सिग्नेचर कहा जाता है। अगर हम किसी भी नंबर को सीक्वेंस वाइज लिस्टिंग अकॉर्डिंग अगर एंगल का डिग्री और साइज को नोज रेडियस को लिखते हैं, उसको टूल सिग्नेचर कहते हैं, टूल डेजिग्नेशन या ASA। तो जिसमें अल्फा बी माइनस अल्फा एस माइनस गामा ई माइनस गामा एस CE माइनस CS एंड माइनस R, ये आपको जो दिया हुआ है, ये आपको साइज वगैरह दिया हुआ। तो अल्फा भी जो है ये है बैक रेक एंगल, अल्फा भी जो रहेगा वो बैक रेक एंगल, अल्फा S रहेगा साइड रेक एंगल, गामा E रहेगा एंड रिलीफ एंगल, गामा S रहेगा इसमें साइड एंड रिलीफ एंगल। और भी चीजें हैं इसमें, गामा S है साइड एंड रिलीफ एंगल, CE एंड कटिंग एज एंगल, CS साइड कटिंग एज एंगल जो कि प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल कहलाता है, इसको R कहलाएगा इसमें नोज रेडियस जो कि मिलीमीटर में इसका डायमेंशन रहता है। इसमें ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बैक रेक एंगल अल्फा बी, अल्फा S है साइड रेक एंगल, गामा E है एंड रिलीफ एंगल, गामा S है साइड एंड रिलीफ एंगल, CE जो है उसको हम डिनोटेड कर रहा है एंड कटिंग एज एंगल, CS डिनोटेड कर रहा है साइड कटिंग एज एंगल, इसको हम प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल के नाम से भी जानते हैं। और जो होता है नोज रेडियस होता है, सबकी डायमेंशन की MM होता है नोज रेडियस का डायमेंशन। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द इनपुट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिकली इज कॉल्ड एज। इसका आंसर हो जाएगा लीनियरिटी। The ability to produce, reproduce the inputs characteristics symmetrically is called linearly. Description है, the ability to reproduce the input characteristics symmetrically is called linearity. निविष्ट लक्षणों को सममित रूप से पुनः उत्पन्न करने की क्षमता को रैखिकता कहते हैं। Next question है, the plane which is inclined equally to the reference axis is called octahedral plane, अष्टफलकीय समतल कहलाता, समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका हुआ है उसको अष्टफलकीय समतल बोलते हैं, या the plane which is inclined equally to the reference axis is called octahedral plane। Next question है,
स्टेट ओवर ऑन अ लेथ डिपेंड्स अपॉन, आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ टेपर, लेथ पर स्थापन टेपर की मात्रा पर निर्भर करता है, तो सेट ओवर ऑन अ लेथ डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ टेपर। डिस्क्रिप्शन है सेट ओवर ऑन अ लेथ डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ टेपर, सो टेपर इक्वल टू होता है 1/x, मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन टोटल लेंथ, फॉर्मूला हो जाएगा डी माइनस डी अपॉन एल, तो और टेपर का आ जाएगा 1/x इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। टेपर टर्निंग मेथड्स ऑन लेथ मशीन, लेथ मशीन में टेपर टर्निंग मेथड्स चार होती हैं, एक होती कंपाउंड रेस्ट या स्वीविलिंग मेथड, एक होती यूजिंग फॉर्म टूल मेथड, एक होती ऑफ सेटिंग द टेल स्टॉक एंड यूजिंग टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। ये इसके मेथड होती है, टेपर टर्निंग मेथड्स होती है लेथ मशीन की।